कॉनिकल पेंडुलम किसे बोलते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने एरर्स का चैप्टर भी किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पेंडुलम है, अगर कोई पेंडुलम है जिसका मास m है, लेंथ l है, और अगर वह टू एंड फ्रो मूव करे, ऐसे क्वेश्चन थे, तो उसका एक चक्कर आना और जाना, टाइम पीरियड मैंने लिखवाया था 2π अंडर रूट ऑफ l बाय जी, ऐसे एरर्स के भी चैप्टर के अंदर यूज़ किया था, और वैसे भी हमने कई जगह ये फॉर्मूले को देख चुके हैं, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी ये फॉर्मूले को देखा था, t इक्वल 2π रूट l बाय जी, देखा हुआ फॉर्मूला लगता है। तो ये तब लगता है जब एक पेंडुलम ऐसे टू एंड फ्रो मूव करे, ये इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कॉनिकल कर रहे हैं। तो ये देखो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, इमेजिन करो ये मास है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है, ये स्ट्रिंग को आपने कैसे घुमाना है इसको ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग को आपने कोन की तरह घुमाना है, कुछ ऐसे ऐसे। तो आपने स्ट्रिंग ली, कोन इमेजिन कर रहे हो, ये कॉनिकल पेंडुलम है जो कोन की शेप लिए हुए, ये कॉनिकल पेंडुलम है, बनाओ डायग्राम। तो आपको करना क्या है, कॉनिकल पेंडुलम में इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है इस मास का, कोई मास m है वो सर्कल में घूम रहा है, और इसका एक चक्कर जो होगा, एक सर्कल में घूमने का चक्कर होगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब भी क्वेश्चन कॉनिकल पेंडुलम का आए, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है इसको देखो। तो कॉनिकल पेंडुलम में सबसे पहले जो मास है m, m मास है, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कहीं भी कहीं पर भी घूमेगा तो mg तो नीचे एक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन t, स्ट्रिंग में टेंशन t डेवलप हो जाएगी, टेंशन t एंड t, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम इसमें l गिवन है, लेंथ गिवन होगी इसमें, थीटा भी गिवन होगा, तो टेंशन t एंड t क्लियर है सबको। जैसे लॉज ऑफ मोशन में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसमें, कि इसमें कंपोनेंट्स लेंगे, कैसे कंपोनेंट्स ऐसे लेंगे, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इसके कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तो एक कंपोनेंट क्या होगा t cos थीटा, और दूसरा क्या होगा t sin थीटा, t cos थीटा t sin थीटा, ठीक। सही, नेक्स्ट है, ये जो स्टोन है इसका सेंटर का मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा, ये सेंटर सी है, क्योंकि इसका सर्कल देखो नीचे बन रहा है। अब इसका रेडियस क्या होगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बोलो रेडियस क्या होगा, ये एल है, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल से ये क्या बनेगा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री है, चेक कर लो, एल साइन थीटा की वैल्यू आएगी, तो रेडियस कितने रेडियस में घूम रहा है, एल साइन थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। जो डायग्राम यहां बन रहा है वही डायग्राम यहां भी बनेगा, वो तो एक ही बात है, एक ही जगह बना लो जहां बनाना है, क्योंकि आपका मास ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी, तो पहली इक्वेशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, तो एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी फोर्स इस स्टोन को सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, टी साइन थीटा, दिख रहा है ये टी साइन थीटा फोर्स इस मास पे कहां लग रही है, टुवर्ड्स सेंटर, तो क्या एक्ट करेगी, सेंट्रिपेटल, तो टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप कहेंगे एम वी स्क्वायर में आर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जब जब क्वेश्चन में कैपिटल टी निकालना है ना, उसमें ना ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज़ करो। रीज़न, क्योंकि जो ओमेगा होता है ना वो होता है 2π/T। तो एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड फटाफट आ जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई फॉर्मूला यूज़ कर लो वैसे तो तुम, अगर यहाँ एम वी स्क्वायर बाय आर यूज़ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर लिया। अब मेरे को पता है आर की वैल्यू, अभी अभी मैंने बताई आर किसके इक्वल है, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, एम एल ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। तुम इस टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ओमेगा स्क्वायर, एम से एम भी कट गया, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाई एल कॉस थीटा, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। ओमेगा क्या लिखवाया था फॉर्मूला, 2π/T जी बाई एल कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई टाइम पीरियड एल कॉस थीटा बाई जी। ये लो आंसर, ये ऑप्शन मार्क कर लेना ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो। कई लोग तो डायरेक्ट फॉर्मूला मार्क कर लेते हैं, लिखना फॉर्मूला जिसमें में लिख लो टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम सीधा मार्क कर देना चाहिए, इतना याद कर सको तो। वैसे बाय प्रैक्टिस हो ही जाता है याद। ये आर की जगह पुट किया, साइन साइन कैंसिल बचा,